अचानक से रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले में अरेस्ट होने के बाद बॉलीवुड बोल पड़ा तो जनता को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये बॉलीवुड सुशांत की डेथ पर नहीं बोला, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जब FIR हुई तब भी नहीं बोला, जब इस मामले में ED आई CBI आई तब भी ये बॉलीवुड नहीं बोला, लेकिन अब जब ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई तो फिर बॉलीवुड की हिल गई और बॉलीवुड ने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिया की PR टीम ने ये कैंपेन किया जिसमें रिया की गर्ल गैंग ने रोजेज आर रेड वाली पोयम को कल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल किया। सभी सेलिब्रिटीज सोनम कपूर से लेकर रवीना टंडन और विद्या बालन तक इन सभी एक्ट्रेसेस ने अपनी जो सोशल मीडिया की वॉल है उसको रोजेज आर रेड वाली पोयम से पेंट कर दिया। कल ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड एकदम से जाग उठा, एकदम से हिल उठा और एकदम से वो बॉलीवुड जो अब तक गूंगा और बहरा होकर पूरा तमाशा देख रहा था वो बोल उठा और उसे सुनाई देने लगी रिया की चीखें। इसके पीछे कारण है NCB जिसके हाथ बॉलीवुड की गलियों तक जाएंगे और उन सेलिब्रिटीज को खींच खींच कर बाहर निकालेंगे जो ड्रग्स के नशे में लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। और बॉलीवुड की इसी चाल पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, हम हमारे ग्रे सेल्स को यूज करके ये समझ सकते हैं कि क्यों अचानक से बॉलीवुड से रिया के लिए इतने सपोर्टर्स खड़े हो गए, ताकि रिया उन लोगों का नाम नहीं ले पूछताछ में। ड्रग एंगल आते ही इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का बोलना बहुत कुछ कह जाता है और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब समझ आता है। वेट करिए, इंतजार करिए और सच सामने आकर ही रहेगा, और जब सच सामने आएगा तब हम देखेंगे कि ये सपोर्टर्स कहां भागते फिरते हैं। इसके अलावा श्वेता कीर्ति ने उन लोगों को स्लैम किया है जो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बता रहे हैं, मेंटल पेशेंट बता रहे हैं। उन लोगों को जवाब देते हुए श्वेता कीर्ति ने लिखा है, डेड कांट स्पीक सो ब्लेम ऑन डेड, यानी कि जो मर गया है वो बोल नहीं सकता इसीलिए उसके ऊपर डाल दो सारी बात। जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयानों में कहा है कि वो ड्रग्स तो लाती थी लेकिन सुशांत के कहने पर लाती थी, सुशांत ही उन्हें ड्रग्स चैट्स में लिखने के लिए कहते थे। यानी कि जो पूरा मामला है रिया चक्रवर्ती ने और उनके वकील ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डाल दिया और सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में है ही नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो अब रिया के वकील के पास बस यही रास्ता बचा है, वो वकील जिसको रिया चक्रवर्ती ने लाखों रुपए देकर हायर किया है, वो अगर इस तरह की दलीलें पेश करेंगे तो फिर रिया चक्रवर्ती को कैसे बचाएंगे।